हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑटोमेशन। आज हम लोग देखेंगे जे मीटर एंड यूजिंग जे मीटर हम लोग आज डेटाबेस टेस्टिंग करने वाले हैं फॉर परफॉर्मेंस टेस्टिंग। सो बेसिकली अपाचे जे मीटर को यूज करके आप जितनी भी परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, लोअर टेस्टिंग है, ये सब चीज़ हम कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूजिंग डेटाबेस टेस्टिंग यूजिंग JDBC। So let's get started. What we will do? We will download Apache JMeter. So click here. और फिर यहाँ से आपको क्या करनी है? We will download Java binary zip file. And make sure कि आपके सिस्टम में Java 8 already installed होना चाहिए. So after downloading, we will extract this. So आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या किया, अपाचे JMeter को extract किया and यहाँ से we will go inside bin and bin में हमें मिलेगा यहाँ पर JMeter. This one, JMeter bat file. तो आप इसे directly execute कर सकते हैं, but make sure कि आपके system में CMD, आपके system में Java version. So this Java version and also Java C version. These two things is installed. तो Java 1.8 होना चाहिए, and जब ये installed है, that means we can come here. And we can double click in this particular window batch file. अब Apache JMeter open होगा and यहां से हम क्या करेंगे, we will create our test cases. So हमें क्या करना है, first आप देख सकते हो यहाँ पर test plan है, we will right click here, add users. So basically हमें सबसे पहला जो करना होता है वो है add users, or we can say add thread group. जैसे आप add thread group पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आप कोई भी आप नेम दे सकते हो thread group का, जैसे आप चाह रहे हो कि database testing. Okay, यहाँ पर हमने नेम दे दिया database testing. बाकी जो भी चीजें हैं आप by default फिलहाल आप छोड़ दो. Let's save it. Okay, आप save करोगे तो कोई एक destination पे आप इसे save कर सकते हो, जहाँ पर आप इसे बाद में फिर से इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट कर सको. सो आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर फ्यू स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप है टू क्रिएट थ्रेड ग्रुप. उसके बाद क्या करनी है, एडिंग JDBC रिक्वेस्ट. सो हमें क्या करनी है, JDBC रिक्वेस्ट ऐड करनी है. कैसे ऐड करनी है, राइट क्लिक ऐड कॉन्फिग एलिमेंट एंड देन JDBC कनेक्शन. सो राइट क्लिक ऐड एंड देन वी विल गो इनटू config element and यहाँ से आप देख सकते हो कि हमें क्या करनी है, JDBC configuration. So Apache JMeter के through हम बाकी चीजें भी कर सकते हैं, like website testing, FTP testing, इसी तरह से web service testing, REST, SOAP, ये सारी चीज हम test कर सकते हैं, but आज हम लोग देखने वाले हैं सिर्फ JDBC testing. Click on JDBC configuration. एंड इसमें हमें जो सबसे मेन चीज है वो ध्यान रखनी है कि आप वेरिएबल नेम और क्रिएटेड पूल. सो यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं डेटाबेस का. तो आप लिखना होगा हमें डेटाबेस कनेक्शन. सो डेटाबेस पूल आप डायरेक्टली लिख सकते हो यूजिंग _ डेटाबेस पूल. एंड बाकी चीजें हम फिलहाल ऐसे ही रहने देंगे. सिर्फ यहां पर हमें क्या करनी है, ये चीज हमें देखना है यहां पर, एंड सेलेक्ट वन. ओके, सो इसको फिलहाल रहने देते हैं. वी कैन सी हियर दिस इज डेटाबेस URL. तो डेटाबेस URL में आपको क्या देनी है, सो यू हैव टू गिव डेटाबेस. तो अब यहां पर हमें क्या करना होगा, MySQL, लेट्स से कि मैं टेस्ट करना चाहता हूँ MySQL डेटाबेस के साथ, तो हमें सबसे पहले MySQL इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम में. तो हम क्या करेंगे, वी विल फॉलो दिस वन टू इंस्टॉल MySQL. सो आई हैव ऑलरेडी कॉपीड दिस URL. यू कैन क्लिक हियर
तो यहां से आने के बाद वी विल क्लिक ऑन नो थैंक्स एंड इट विल डाउनलोड MySQL। सो हमें क्या करना है, जैसे यहां से डाउनलोड होगा वी कैन सिंपली डू नेक्स्ट 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 एंड आफ्टर दैट इट विल इंस्टॉल इन योर सिस्टम एंड एज वेल एज वी हैव टू ऑल्सो इंस्टॉल। सो वी हैव टू इंस्टॉल MySQL 7.5 एंड फिर वर्कबेंच 8। आप वर्कबेंच कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो बट MySQL आप 5.7 इंस्टॉल करना क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंस्टॉल करने में। एंड जब ये इंस्टॉल हो जाएगा देन वी हैव टू ओपन MySQL वर्कबेंच, कुछ इस तरह से ओपन होगा ये। यू कैन सी हेयर इंस्टेंस, सो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक लोकल इंस्टेंस दिख रहा होगा। यू कैन डबल क्लिक हेयर and then it will ask you to enter username and password. So username is root and password also I have to enter here. Click OK. After everything is correct, then you can see here one is administration and another one is schema. Schema में जाने के बाद आप यहाँ पर देखोगे तो by default sys table दिख रहा होगा। तो हमें क्या करनी है, we have to create one database. We will write create database, my database. उसके बाद use my database. इससे क्या होगा, database create हो जाएगा। आप refresh करोगे तो यहाँ पर वो database दिख जाएगा। फिर हमें क्या करनी है, we have to create one table. So let's say मैंने user table create किया है यहाँ पर। ID, auto increment, name, worker, email, country and primary key. उसके बाद इसमें आप कुछ इस तरीके से data insert कर सकते हो insert command के through. And then here we have select command. तो मैं अगर अभी select command चलाऊंगा, so and always we have to use this use database. जब भी आप open करोगे आपको use my database करना होगा. Select this and then run it. तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो भी data stored है वो यहाँ पर available है. Now अब हमें क्या करनी है, basically इसी चीज को test करनी है कहाँ से, JMeter के साथ. So our database URL is, जब भी आप first time create करोगे तो by default MySQL localhost 3306 इस port पे ये चलता है and यहाँ पर you have to write database use SSL equal to false. आप इसे use करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई problem नहीं है. Mostly अगर आप use करोगे then it will be good, कोई problem नहीं होगा. So this is our database URL. Okay. Driver class जो है ये आप डायरेक्टली आप ले सकते हो. सो वी हैव हेयर com.mysql.jdbc.driver. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ड्राइवर क्लास देंगे, यूजर नेम रूट पासवर्ड एंड देन कनेक्शन प्रॉपर्टी. तो प्रॉपर्टी में आपको कुछ भी नहीं देनी है, ये ऐसे ही आप छोड़ दो. ठीक है, वी विल सेव दिस. देन अब क्या है कि हमने यहाँ पर JDBC कनेक्शन क्रिएट कर दिया है एंड आफ्टर दैट सो कनेक्शन वैलिडेशन बाई पूल. सो यहाँ पर पूल में जो एंट्री करेंगे, सो इफ यू वॉन्ट देन यू कैन सेलेक्ट एनी पूल. लेट्स से कि मैं सेलेक्ट के लिए कर रहा हूँ, सो आई कैन सेलेक्ट हेयर सेलेक्ट वन. यूजुअली सेलेक्ट वन करके आप यहाँ पर छोड़ सकते हो. अब इसके बाद जो हमें परफॉर्म करनी है, सो वी हैव एडेड हेयर JDBC कनेक्शन. उसके बाद क्या करनी है, वी हैव टू एड सैम्पलर, मीन्स अब हमें रिक्वेस्ट सेंड करनी है. सो वी हैव टू एड JDBC रिक्वेस्ट. So we will go here in add. Sorry, we have to go in here. We will select database, right click add, and यहाँ पर हम आने के बाद क्या करेंगे, we will go in sampler and then JDBC request. तो हमें यहाँ पर JDBC request देनी है. Now you can see here bound variable name. तो JDBC वेरिएबल नेम जो हमने यहाँ पर दिया था यही चीज हमें यूज करनी है यहाँ पर. डेटाबेस पूल ओके एंड देन हेयर वी हैव दिस वन, दिस इज क्वेरी. तो आप क्या करोगे यहाँ पर, सेलेक्ट क्वेरी आप लिख सकते हो. तो जो भी आप क्वेरी लिखोगे इट विल एग्जीक्यूट दैट. सो लेट्स से हेयर इफ आई राइट सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम users. So जो मैंने कमांड यहाँ लिखा था select string from users, तो ये कमांड जो है हमें यहाँ पर लिखना है. Okay? And बाकी चीजें हम ऐसे ही रहने देंगे. Just save this.
फिर हम सेलेक्ट करेंगे डेटाबेस टेस्टिंग, राइट क्लिक। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर लिसनर्स ऐड करनी है, लिसनर्स जहाँ पर हम रिजल्ट देख पाएंगे। सो वी विल क्लिक लिसनर्स एंड बाय, ये सारे लिसनर्स है जो आप ऐड कर सकते हो। सो लेट्स से आई एम एडिंग हियर व्यू रिजल्ट इन ट्री दिस वन। अब इसमें हमें कुछ करना नहीं है, जस्ट हमें सिर्फ ऐड कर देनी है यहाँ पर। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू रन इट। ओके, तो बाकी चीजें हो गया, हम यहाँ से अब एक बार रन करके देख लेंगे कि आउटपुट में क्या आ रहा है। जस्ट क्लिक हियर रन। सो इट इज गिविंग एरर। एरर क्या है, कैन नॉट लोड जेडीबीसी ड्राइवर। तो अभी तक हम लोग जो भी कुछ किया है ये करेक्ट है, बट अभी जेडीबीसी का ड्राइवर हमने अभी लोड नहीं किया है, तो हमें क्या करनी होगी, वी हैव टू डाउनलोड जेडीबीसी ड्राइवर। तो हमें क्या करनी है, वी कैन राइट हेयर। अब ये जो है यहाँ पर ये चीज बेसिकली हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आई विल गो हेयर इन गूगल एंड राइट क्लिक दिस वन एंड यहाँ पर आप मेवन लिख दो आप। तो मेवन के थ्रू हम इसे डाउनलोड करेंगे एंड हेयर यू कैन सी दीज ऑल आर वर्जन आर अवेलेबल। तो हमें क्या करना है, आई कैन डाउनलोड 5 वर्जन, कोई भी डाउनलोड जो है 5 का वर्जन हम डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स क्लिक हियर एंड देन क्लिक जार फाइल। तो यहां से माई सिक्वल कनेक्टेड जावा डाउनलोड हो गया। वी विल गो इन फोल्डर, लेट्स कॉपी दिस फोल्डर, कॉपी दिस फाइल। उसके बाद हम क्या करेंगे, जेमीटर में जाएंगे, अपाची जेमीटर लाइब्रेरी एंड इस लाइब्रेरी में हम क्या करेंगे, इसे पेस्ट कर देंगे MySQL कनेक्टर को। तो आप देखो जैसे MongoDB से रिलेटेड चीजें अवेलेबल है ऑलरेडी इसमें डेटाबेस, बट हमें यहाँ पर MySQL ड्राइवर डालना था। अब फिर क्या करेंगे, वी हैव टू क्लोज दिस एंड हमें फिर से रन करना होगा। वी विल गो इन bin एंड देन JMeter बैच फाइल। ओके, अब यहां से करने के बाद चूंकि हमने ऑलरेडी सेव कर लिया है, वी विल क्लिक ऑन ओपन डेटाबेस टेस्टिंग। ओके, सो नाउ एवरीथिंग इज ऑलरेडी अवेलेबल, वी कैन एक्सपेंड दिस। कनेक्शन है ऑलरेडी बना हुआ, जेडीबीसी रिक्वेस्ट भी है एंड देन सैम्पलर भी है। नाउ वी कैन क्लिक अगेन, यस नाउ यू कैन सी दिस इज ग्रीन, दैट मीन्स ये यहाँ पर गया रिक्वेस्ट। सो वी हैव रिक्वेस्ट इज सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स एंड रिस्पॉन्स में क्या मिला हमें, यू कैन सी दिस। सो जो भी डेटा में टेबल डेटाबेस में टेबल में जो भी डेटा अवेलेबल था, वी कैन सी हेयर आउटपुट। तो आप यहां से कोई भी कमांड दे सकते हो और उस कमांड के थ्रू आप रिस्पॉन्स दे सकते हो। सो नाउ लेट्स गो हेयर एंड यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ यूजर्स। सो नंबर ऑफ थ्रेड इज 1, रैम्प अप पीरियड 1, लूप काउंट इज 1। सो लेट्स से आप चेक करना चाहते हो 100 यूजर्स। ओके, सो लेट्स से 100 यूजर्स अगर एक ही बार में, लेट मीन्स एक सेकेंड में अगर 100 रिक्वेस्ट जाता है, तो क्या बिहेव करेगा आपका डेटाबेस और जो भी आपने ये क्वेरी लिखा हुआ है, इस क्वेरी का क्या आउटपुट होगा, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। सो लेट्स जस्ट क्लीन दिस, ओके, एंड रन इट अगेन। सो आई हैव गिवन हेयर 100, दैट मीन्स 100 रिक्वेस्ट यहाँ से जाएगा। जस्ट क्लिक हेयर, ये 100 रिक्वेस्ट अभी क्रिएट होगा एंड हम देखेंगे कि 100 रिक्वेस्ट पे क्या सारे रिक्वेस्ट जो है आउटपुट आ रहा है सारे रिक्वेस्ट से या नहीं आ रहा है। सो आई कैन सी हेयर ऑल रिक्वेस्ट आउटपुट इज ट्रू। हम क्या करेंगे, कुछ और लिसनर्स यहाँ पर ऐड करेंगे। वी कैन राइट क्लिक एड लिसनर्स, सो वी कैन क्लिक ऑन समरी रिपोर्ट। ओके, आप यहाँ पर जितने भी आप ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वी कैन गो इन लिसनर्स एंड आई कैन ऐड रिस्पॉन्स एग्रीगेट रिपोर्ट, देन आई कैन ऐड लिसनर दैट इज ग्राफ रिपोर्ट और रिस्पॉन्स टाइम ग्राफ, ये भी हम ऐड कर लेते हैं। नाउ लेट्स गो हेयर अगेन इन एनी एनी वन,
लेट्स क्लियर दिस एंड रन इट अगेन। तो आप इसका जो आउटपुट है वो बाकी लिसनर्स में भी दिख रहा होगा। सो यहाँ से आप जाकर के चेक कर सकते हो कि रिस्पॉन्स में डेटा आ रहा है, दिस इज परफेक्ट। नाउ समरी में आप जाकर देखोगे टोटल सैंपल्स कितना गया, 100। एवरेज क्या है इसका, मिली सेकेंड है। एंड इसमें फेल फेल एक भी रिक्वेस्ट नहीं हुआ। थ्रोट में भी यू कैन सी हियर फ्रॉम ग्राफ डिस्प्ले ग्राफ, ओके नॉट इनफ डेटा, इस वजह से यहाँ पर अनेबल टू। बट यहाँ से आप रिस्पॉन्स में ये सब चीज भी आप देख सकते हो। सो दिस वे यू कैन परफॉर्म डेटाबेस टेस्टिंग, राइट? सो लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट।